सलीम सुलेमान की जोड़ी के साथ फिर से आ रहे हैं पवन सिंह एक बहुत बड़ा धमाका लेकर। ये खबर पुरानी और बासी हो चुकी है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि सलीम सुलेमान के साथ पवन सिंह पहली बार आ रहे हैं, तो भाई होली वाला सॉन्ग तो याद ही होगा, बबुनी तेरे रंग में मैं और थोड़ा यंग हो गया। जी हाँ, इस गाने में भी ये दोनों साथ नज़र आए थे। ये सारी बातें अब एक दिन पुरानी हो चुकी है। नई बात यह है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर पवन सिंह की फिल्म बॉस आ रही है। जी हाँ, अब ये टकराएगी खेसारी लाल यादव की दो फिल्मों से, पहली है लिट्टी चोखा और दूसरा प्यार किया तो निभाना। यानी कि पवन सिंह को बहुत बड़ी टक्कर लेनी है खेसारी लाल यादव की दो फिल्मों से। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको एक और खबर देते हैं कि पवन सिंह का ये जो बॉलीवुड सॉन्ग आ रहा है, इसे लेकर पहले से कोई भी मीडिया प्रमोशन या फिर हाइप क्रिएट नहीं की जाएगी। जी हाँ, ये सब कुछ पवन सिंह की तरफ से ही कहा गया है। और इस गाने को लेकर, जो ये बॉलीवुड वाला सॉन्ग आ रहा है, इसे लेकर पवन सिंह काफ़ी सेंसिटिव हो चुके हैं। पवन नहीं चाह रहे हैं कि गाने को लेकर कोई भी हाइप क्रिएट की जाए या कोई भी पहले से बातें या इस गाने से रिलेटेड कोई भी पिक्चर्स मीडिया में आए, इसलिए इस गाने को काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। और दर्शकों के बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि नवरात्र के समय ही इस गाने को रिलीज़ किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हमारे कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि क्या पवन सिंह के इस बार नवरात्र के गीत नहीं आएंगे, तो हम आपको बता दें कि नवरात्र के गीत पवन सिंह के आएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी समय है। अब जो भी पवन सिंह के फैंस हैं वो भाई हैप्पी हो जाइए, क्योंकि दुर्गा पूजा के अवसर पर फिल्म भी रिलीज़ होगी, बॉलीवुड का गाना भी रिलीज़ होगा और भाई माता के सॉन्ग तो आएंगे ही आएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।